सागर जी, किसान आंदोलन पर अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? अभी कल सुबह 10 बजे से लेकर के लगातार यहाँ विधानसभा का घेराव चालू है, हजारों किसान यहाँ पर हैं। आगे की रणनीति के लिए यहाँ पर आज भी ये अनिश्चितकाल अपना जो घेराव है वो चालू रहेगा सीकर जिले का, यही रामू बंकावास का तिराया पर। बाकी राजस्थान में आज जिला कलेक्टर, तहसील हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किए जाएंगे और कल पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा और हमारा ये यहाँ का जो घेराव है वो यथावत चालू रहेगा। और जब तक सरकार हमारे नेताओं को रिहा नहीं करती है, जो वायदा किया है उसको पूरा नहीं करती है, तब तक अनिश्चितकाल के लिए ये रणनीति आगे चलती रहेगी, आंदोलन चलता रहेगा। तो क्या सीकर में भी चक्का जाम रहेगा? सीकर में चक्का जाम नहीं रहेगा, सीकर में ये जो विधानसभा घेराव अपने यहाँ कर रखा है यही रहेगा। पूरे सीकर जिले के पूरे गांव से आज भारी संख्या में महिला और पुरुष यहाँ आएंगे, पूरे दिन यहीं हम इस घेराव को चालू रखेंगे। कल भी यहाँ घेराव को चालू रखेंगे, सीकर जिले में कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, यहीं एक ही जगह पर घेराव विधानसभा का चालू रखेंगे। बाकी राजस्थान में कल पूरा चक्का जाम होगा। आपके इस किसान आंदोलन में कितने किसानों के शामिल होने का अनुमान आपके पास में है? पूरे राजस्थान से और सीकर जिले से हजारों किसान यहाँ थे और आज यहाँ अकेले सीकर जिले से लाखों किसान आएंगे और इस विधानसभा के घेराव को अनिश्चितकाल के लिए रखेंगे।